विभु जल्दी लाओ ना। अरे ला रहा हूँ यार, इतनी इंपेशेंट क्यों हो रही हो भाई? बहुत बड़े आदमी हैं। कद्दू के बड़े आदमी हैं। इनको जरा सा भी ना नाराज नहीं कर सकते। तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स के ऐड का सवाल है ना। अरे यार जानता हूँ साधनी की औकात, ऐसा खाना बनाया कि डोंगे में गिर जाएगा ये। डोंगे में नहीं गिराना है समझे, अपना ड्राई फ्रूट्स का ऐड कराना है, इसलिए तुम्हें ना सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली करना चाहिए। यार डोंट वरी, डोंट गेट वर्क्ड अप, ओके? विभु वर्क्ड अप तो होना ही पड़ेगा ना, 50,000 का सवाल है जो कि मेरे है। वो 50,000 मुझे 1,00,000 करके तुमसे वापस चाहिए, राइट? 2,00,000 दूंगा, डोंट वरी। ऐड तो करवाओ उसे, वो सब ठीक ठाक थे। भाभी जी घर पर हैं? आ गया दंड पेलू। आइए आइए तिवारी जी, स्वागत है आपका। अब सॉरी पहलवान जी। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी, हेलो भाभी जी, हेलो हेलो पहलवान जी, वेलकम वेलकम वेलकम। बताइए पहलवान जी, कैसी सेवा की जाए आपकी, किस तरह से की जाए? आपको पता है क्या क्या बनवाया है मैंने आपके लिए? विभु बताओ, तुमने पहलवान जी के लिए क्या क्या बनाया है? मैंने घुइया लबाबदार बनाया, घुइया के कोफ्ते बनाए, घुइया पालक बनाया, घुइया मेथी बनाया, घुइया का रायता बनाया, घुइया पुदीना बनाया। हाय दिया, का बोले आप घुइया पुदीना, ये कैसे बनाते हैं? अभी जो बड़ा सिंपल मेथड है, देखिए क्या है कि फ्रेश लीजिए एकदम पुदीना, मिंट लीजिए उसको, और चाय पानी से धोइए उसको, पहले मट्टी हो जाती है ना इसके अंदर, तो उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए उसके, उसमें जो सफेद जो तिल होती है ना वो डाल के। अरे यार यहाँ कोई कुकिंग क्लास नहीं चल रही है। ये चीज तो तुम बाद में भी सीख सकती हो ना पगली, अभी इतने महान व्यक्तित्व के साथ बैठी हो, ऐसी मामूली सी हरकत कर रही हो तुम। सारे लड्डू के भैया, आप हमको लिख कर दे दीजिएगा विधि। हाँ well, make it for you, मैं बना दूंगा आपके सामने। चूस भी पहलवान जी, जाने तो सब में घुइया गुचड़ता ही। एक्चुअली क्या है कि पहलवान जी की फेवरेट सब्जी है घुइया, तो मुझे लगा कि मैं हर चीज घुइया बना दूं तो ही विल लाइक इट। यस, लेकिन आज हमारा घुइया खाने का मन नहीं है। नहीं क्यों क्यों पहलवान जी, आज आपका घुइया खाने का मन क्यों नहीं है? भाभी जी अंगूरी हर रोज हमें घुइया की सब्जी खिला देती है, बताइए आज मन नहीं है? आज तो हमारा कुछ और खाने का मन है आपके यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बस हुक्म कीजिए पहलवान जी, आप जो बोलेंगे विभु तुरंत बना देगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तिवारी अब तो अपना बनाइए। पहलवान जी मैंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लगन से आपके लिए बनाया, स्पेशली आपको मैंने मायने रख के बनाया कि बिकॉज यू लाइक घुइया तो मैंने घुइया किया। लेकिन हमारा घुइया खाने का मन नहीं है भाई। जाइए हमारे लिए वो ड्राई फ्रूट्स लेकर आइए, आइए हमारा ड्राई फ्रूट्स खाने का मन है, और बाकी ये खाना वाना हमारे पट्टे खा लेंगे। केवल पट्टे नहीं, हम भी खाएंगे। ओ बेचारे भरभूति जी, इतना प्यार से बनाया, हम खाएंगे। हाँ सॉरी पहलवान जी, आज हमारो भी है ना घुइया खाबे को मनना है, आज हम भी ड्राई फ्रूट्स पे लेंगे, क्यों? बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी, जाइए भरभूति जी हमारे पट्टों के लिए भी ड्राई फ्रूट्स लेके आइए। काजू जरा ज्यादा लाइयो, अखरोट भी। अनुजरा सुना। एक्सक्यूज मी पहलवान जी, ये दोनों फ्री लोडर्स भी लद गए साथ में, इनको भी खाने हैं ड्राई फ्रूट्स। आई नो सीरियसली, क्या करें? आई डोंट नो क्या करें यार, देखो अगर एड बनवानी है ना तो इस पहलवान के बच्चे के नखरे तो झेलने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है यार, इतना सारा खाना बनाया है इसका फेंकेंगे? आई डोंट नो क्या करेंगे, लेकिन इस वक्त इस आदमी के नखरे झेलने पड़ेंगे, वी हैव नो चॉइस। कुत्ता जी मैं कुछ लेके आता हूँ ड्राई फ्रूट्स आपके लिए सर। नहीं पहलवान जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डाल लिए तो कोई किसी का खून नहीं कर दिया, समझ रहा है तू? ठंड पड़ रही है,
थोड़ा सा खा लूंगा तो यार गर्माहट आएगी ना, समझा कर। पता पता क्या चाहिए? 50 ग्राम बादाम। आधा किलो डाल दीजिए। साथ में दो मुश्त अंडे, इतने तो खाएंगे कम से कम। एक मिनट चाचा जी, अब तक ये कितना ले जा चुका है? टोटल 7 किलो। 7 किलो? मैं खा रहा हूँ क्या? वो खा रहा तुम्हारा पहलवान का बच्चा। विभू, वी हैव टू स्टॉप दिस, वी हैव टू स्टॉप दिस। अब तुम ना सीधे सीधे वो पहलवान से ऐड करवाओ, जितना उसका पेमेंट नहीं होगा उससे ज्यादा करो, ड्राई फ्रूट्स खा चुका है वो। सब कम कर, कम कर, निकालो सब निकालो। 50 ग्राम ही है यार, 50 ग्राम यार। कम करके लेके आओ, कम करके लेके आओ। अरे चाच, वो दो संडे भी हैं यार। रुक जा यार। है ना अंगूरी जी, आपको भी कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं नहीं अनीता जी, हम तो यही खा लेंगे जो भरभूति जी प्यार से खाना बनाए ना। मुफ्त का मलिदा पेलना हमरे उसूलों के खिलाफ है। ये लीजिए पहलवान जी। शुक्रिया। हेलो, खाओ। ओ विभूति सेठ, हम आज भी फेंके हुए ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं, मत खाओ। अरे अरे अरे, पेल लेंगे जाने का। पहलवान जी आ गए हैं, खाना लगाओ। खाना हम ना ही बनाए हैं। क्यों नहीं बनाई हो? कहा है कि मुफात का जो गिफाट है वो हमको हजम नहीं होता है। ये क्या वड़मपने की बातें कर रही हो? गिफ्ट तो मुफ्त का ही होता है। लेकिन हमको ना ही चाहिए। तो तुमको कौन दे रहा है? वो तो हमको दे रहे हैं। हमको भी दे रहे ना, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम सब्जी लेने गए थे बाजार। हाँ तो कौनो भी सब्जी वाला हमसे पैसे ही नहीं ले रहा था, सबके सब मुफ्त में सब्जी देने पर तुले हुए थे। ऐ तो तुमको थोड़ी ना दे रहे थे, वो तो हमको दे रहे थे, क्योंकि तुम धामा पहलवान लिखू अखाड़ा नंबर 7 मॉडर्न कॉलोनी कानपुर की पत्नी हो। हाँ तो धामा पहलवान जी, लिखू अखाड़ा नंबर 7 मॉडर्न कॉलोनी, आप खुद ही जाइए और सब्जी लेकर आइए। कहा है ना कि मुफात का सब्जी और बारात में मिला हुआ दहेज ये हमरे लिए पाप है, हमरे उसूलों के खिलाफ है। ये तुम क्या बात कर रही हो? है हमारा इतना मान है, इतना सम्मान है, इतनी इज्जत है, और तुम जो है अलग ही सुर छेड़े बैठी हो। ये कोई ईमानदारी का सुर कहते हैं? तो हम क्या बेईमानी कर रहे हैं? हाँ। देखे पहलवान जी, कहा है ना कि मुफ्त का खाना तो हम ना ही बनाने वाले हैं, और अगर आपको इतना ही इंटरसेक्शन है खाने। भाभी जी वो इंटरेस्ट हो गए ऐसे ही पकड़े हैं। अगर आपको इतना ही शौक है मुफ्त का खाना खाने का तो ड्राई फ्रूट्स खाइए ना, खाना खाने का क्या जरूरत है? तो खा लेंगे ना ड्राई फ्रूट्स, हमें कौन कमी है क्या? लेकिन हम ना ही खाएंगे मुफ्त का। तिवारी सेठ, सॉरी पहलवान जी, मैं क्या कह रही था, भाभी जी तो भूखी रह जाएंगी। रहने दे भूखी, उसे ईमानदारी के कीड़े ने काटा है, जब उस कीड़े का जहर उतर जाएगा तो खुद ही खुद खाने बैठ जाएगी। भाभी जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पहलवान जी, वो बहुत जिद्दी हैं। अबे ओ, तू किसका खादिम है? हमारा खादिम है कि अंगूरी का? भाभी जी जो है मेरी माँ जैसी हैं। तो ठीक है, तू भी अपनी माँ के साथ भूखा रहा है। ना 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 सेठ जी, मेरा मतलब है पहलवान जी, मैं तो आप ही के साथ रहूंगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे टिल्लू, टीगा बहुत अच्छे, बहुत है, थोड़ा पीछे से घुमा के। क्या बात है, लंगोट पकड़, लंगोट लंगोट, अबे धोबी पथार दे, धोबी पथार दे, धोबी पथार दे, दे 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 दे, शाबाश।
बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। पहलवान जी, आपकी कृपा से हमारे घर लल्ला हुआ है। लल्ला? अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अबे लौंडो, ताली बजाओ बे। अबे पट्ठों के लिए कुछ मिठाई विठाई लाए कि नहीं? ओहो भैया, जा मैं तो एक पट्ठे का भी कुछ ना होगो। अरे कोई बात नहीं, तो ये ले लीजिए, ये लीजिए, लीजिए 500। अरे 500 रुपए में तो घुइया ना आने की है। मैं तो कह रही हूँ पहलवान जी, कम से कम 1,000 रुपए होना चाहिए। अबे ओ सुनो, यहाँ पर छिछोरगिरी मत फैलाओ। यहाँ पर बॉस कौन है? बॉस हम हैं। तुम हमारे पट्टे हो, बॉस नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी वसूली का धंधा करने की कोशिश की तो हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे, समझे? रामदीन जी। जी पहलवान जी। तनिक से भारी करो जनाब। ओहो, ये लीजिए। धन्यवाद। हमको मनो कर रहा है सर, और खुद वसूल कर रहा है पहलवान का इनको। पहलवान जी, अपने शुभ मुख से इसका नामकरण भी कर दीजिए। चेहरा दिखाइए जरा। अरे वाह, ये तो एकदम भूरा है, एकदम गोरा भूरा भक्क। तो आज से इसका नाम हुआ भूरा। बहुत बहुत जीते रहिए, जीते रहिए, शाबाश, चलो शाबाश। अबे पत्थर नहीं मारना है सक्सेना जी, कुश्ती लड़नी है। हाँ हाँ, शाबाश टिल्लू। पाए लागू पहलवान जी। हाँ जीते रहिए, जीते रहिए। कहिए आपके क्या हुआ है? पिल्ला। पिल्ला? इंसान के घर में पिल्ला? आपको पूरा यकीन है कि आप ही का खून है? नहीं नहीं पहलवान जी, ये तो मैं बाजार से लाया हूँ, इसका भी नामकरण कर दीजिए ना। ये मेल है कि फीमेल? मेल है। अच्छा, तनिक चेहरा दिखाइए। ये देखिए, दिखाइए। अरे जरा, इसका चेहरा तो हूबहू आपसे मिलता है। तो आज से इसका नाम हुआ प्रेम। चलिए कमर थोड़ी दर्द से आ रही है। करा लगा रहे तू साले तेरे। पहलवान जी, ये क्या कर रहे हैं पहलवान के? पैर पैर छू रहा हूँ सर, पैर छू रहा हूँ। पैर ही छू रहे हैं ना? पैर छू रहा हूँ। चलिए ठीक है, खुश रहिए, जीते रहिए। कहिए कैसे आना हुआ? आपकी भी लल्ला हुआ है? नल्ले के घर में लल्ला भाई, दिस इज इम्पॉसिबल। मालिश, पहलवान जी की मालिश कर रहा हूं। मालिश ही करिएगा, नहीं तो पट्टे आपको रगड़ के रख देंगे, समझे? मेरी क्या मजाल, मैं तो एक छोटा मोटा मामूली सा व्यापारी हूँ। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ड्राई फ्रूट्स का छोटा मोटा धंधा खोला है। अच्छा, इस विषय में तो पहले बातचीत हो चुकी है ना हमारी? पर कितनी बार बताऊं मैं आपको? नहीं, मैं कितनी बार बताऊं आपको? मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि मैं आपसे अपने ड्राई फ्रूट्स की एड बनवाना चाहता हूं। कब कब कहा था? कल रात को कहा था, जब खाने पे आप हमारे घर पे आए थे और कुछ 2.5 किलो आपके पट्टे वो ड्राई फ्रूट चबा गए थे, इफ यू रिमेम्बर। पट्ठो, याद है कब हम गए थे इनके घर? पहलवान जी, पिछली रात तो गए थे इनके यहाँ। हाँ गए थे, मगर ड्राई फ्रूट कब खा, तो जब मुझे याद ना है यार। हाँ हाँ। अरे अरे, माफी चाहेंगे यार, क्या है कि आजकल मैं दिमाग काम नहीं करना, बहुत बिजी रहते हैं। क्या है कि बहुत सारी दुकानों का इनॉग्रेशन करना पड़ता है, बच्चों का नामकरण करना पड़ता है, भट्टों का उद्घाटन करना पड़ता है, याद नहीं रहता ना। तो आपका नाम क्या? एक्चुअली मेरा काम क्या है? काम, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अपने वो ड्राई फ्रूट्स की एड बनवानी है आपसे। ड्राई फ्रूट्स कहाँ हैं? घर पे हैं, ऑफिस से। अबे ड्राई फ्रूट्स का ऐड करवाना जाता है, ड्राई फ्रूट्स घर पे रखे हैं, बताइए। भाई ड्राई फ्रूट्स लेके तो आइए, पहले खाएंगे चखेंगे तब ना ऐड बनाएंगे। कितनी बार चबा चुका है तू? आप कई बार टेस्ट कर चुके हैं सर, और एक्चुअली रात को आप मेरे घर खाने पे आए थे और आपने खाना छोड़ के ड्राई फ्रूट्स ही ठूसे थे, मतलब खाए थे और आपके ये दो जो पट्टे हैं इन्होंने भी खाए थे। अच्छा, अरे यार वही तो भूल जाते हैं ना जरूर। खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए कि इस बार ड्राई फ्रूट्स की खीर बनवा के लाइए,
हमारे लिए भी हमारे पट्टे भी खाएंगे। हाँ पहलवान जी। उसमें वो क्या नाम खुमानी थोड़ी ज्यादा डाल के लाइए, हमें खुमानी के साथ खीर बहुत पसंद है। उसके बाद तो आप मेरी ऐड कर देंगे ना? यार कमाल के आदमी है, पहले खीर खाएंगे, टेस्ट करेंगे, तब सोचेंगे ना क्या करना और क्या नहीं करना। कमीना। कमी नहीं छोड़ूंगा ड्राई फ्रूट्स की आपकी खीर में, ये कह रहा हूँ। भैया भैया चलिए ना अखाड़े में घिसा घिसी करते हैं। Disgusting. I don't like it. अरे यार सर्दी भी बढ़ गई है और क्या बता। चाच ये क्या खा रहे हैं आप चोरी छिपे? दिखाइए। कुछ कुछ शो मी आई सेड। शो मी आई सेड। माय गॉड आप चुरा चुरा के ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं? अरे नहीं 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 यार नहीं। आने दीजिए अनु को, बोलता हूँ उनसे, बताता हूँ उसको कि जिसको चौकीदार रखा है उसने वो डकैत है। यार तू कैसी बातें कर रहा है यार? देख बोरे में से ना देख देख ये दो तीन बादाम नीचे गिर गए थे तो मैंने देखा तो जरा मतलब बहुत दिन हो गए ना ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए तो मन ललचा गया यार। प्लीज चलिए ठीक है खा लीजिए, खा लीजिए। कमान यार मैं नहीं खा रहा, बहू को पता लगेगा तो बोलेगी चाचा जी ने पूरा का पूरा बोरा खाली कर दिया। तो मत खाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए। हाँ बोल। मुझे 50-50 ग्राम सारे जितने भी मेवे हैं ना सब तोल दीजिए। क्यों तुझे क्यों तोल के दे दूं? यार तिवारी जी ने फरमाइश की है उन्हें ड्राई फ्रूट्स की खीर खानी है यार। बैठ बैठ बैठ। तोल तो मैं दूं लेकिन बहू से पूछ लिया है तू ना। अनु को खबर नहीं होनी चाहिए प्लीज, आप चुपचाप तोल के दे दीजिए मुझे वरना वो रायता फैलाएगी। प्लीज फॉर गॉड्स सेक अनु को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इसकी। लेकिन अनु को तो कानो कान खबर हो गई। मम्मी ये क्या नाटक है बेबू, क्या सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स फ्री में बांट दोगे? और अगर फ्री में बांट दी तो बिजनेस कैसे करोगे दांतों से? अरे इसके तो अब तक दांत भी खराब हो गए होंगे। अब इसके दांत खराब हो या मुंह खराब हो आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझने की कोशिश करो यार, तिवारी जी को मैं ड्राई फ्रूट्स की खीर बना के खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि वो मेरी एड शूट कर दें फॉर गॉड सेक्स। तो क्या ड्राई फ्रूट्स की सारी बोरियां खिलाकर ठूस के उनको कन्विंस करने का इरादा है? ये लास्ट चांस, उन्हें ड्राई फ्रूट्स की खीर खिलाऊंगा और उन्हें मैं बोतल में उतार लूंगा। अबे चल बोतल में उतार लूंगा। बोतल में क्या तू शीशी में नहीं उतार पाया है, बातें कर रहा है। अनु प्लीज गिव मी लास्ट चांस यार, लास्ट चांस प्लीज 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 यार। ओके क्या क्या तोल दूं? सब तोल दिए। ओके चल चल। तिवारी का बच्चा पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे, सारे पिस्ते बादाम खा गया मेरे लेकिन ऐड करने के लिए हाँ नहीं बोल रहा है। कमबख्त देखा मैं भी ना कमीना कम नहीं हूं, घुस जाऊंगा इसके अंदर, निकलूंगा नहीं जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं इसको। हाय दिया भरभूति जी, अब किसको ना ही छोड़ने वाले हैं? आपको। आका बोले? अगर भाभी जी मैं और अनु आपके इतने प्रिय पड़ोसी हैं कि आपको छोड़ने वाले नहीं इतनी जल्दी। हाँ वैसे का बना रहे हैं आप? भाभी जी खीर बना रहा हूँ पहलवान जी के लिए। ठीक बा। भाभी जी आप भी खाइएगा, अब इतना बड़ा ठंडा सा आंसर दे रही हैं। ठीक बा कमाल भाभी जी। नहीं उका है ना बरबूती जी कि हमको मुफाद का मलिदा पेलने का कोनो शौक नहीं है, वो आप पहलवान जी को ही खिलाइए। भाभी जी प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। हम बोले ना आपको हमको नहीं खाना है। भाभी जी हमारा दिल टूट जाएगा। ठीक बा लाइए खिला दीजिए। आई नो इट, मुझे पता था कि आप अपने आशिक की बात मतलब अपने पड़ोसी की बात टालेंगी नहीं। आई एम सेंडिंग इट। वो चंपा किधर आ, किधर आ, ये पकड़। खाने के लिए बोल रहा हूँ भाभी जी को देख क्या चम्मच लेके शुरू हो गया। तो खा के बताइए भाभी जी, खा के बताइए कैसे कैसी लगी खीर आपको? हाँ जरूर। थैंक यू चंपक भैया। माय प्लेजर।
सुनिए भिखारी भैया। जी बोजी। पी लीजिए, मुफ्त का खीर है। हाँ, अच्छे से पी लीजिए बैठकर। आज तो बहुत दिनों बाद खीर खाने को मिली है, खाऊंगा। इधर क्या हुआ? खीर खा रहा हूँ, बहुत दिनों मिली है। मारो आप घेरा। इधर ला, भाभी जी ने दिया। चल, तेरे बाप की खीर है क्या? इधर ला, चल, बड़ा आया खीर खाने वाला, निकल। क्या करूँ इसका, छुट्टी हो गई है तो। अरे पहलवान जी सब खाएंगे, देखना ऐसी खीर खिलाऊंगा, ऐसी खीर खिलाऊंगा कि ये ऐड के लिए मना कर ही नहीं पाएगा।